मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं श्रीनगर से बिलोंग कर रहा हूँ जे एंड के से। मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मैं आर्मी पर्सन था, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी आर्मी के दौरान, ड्यूटी के दौरान 2016 में प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मेरे को सर्जरी हुई थी वहीं आर्मी में ही, लेकिन आज 7 साल के बाद मेरे को दोबारा ये प्रॉब्लम हो गई, बहुत ही ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था महसूस श्रीनगर में। बाद में मैंने बहुत कोशिश की थी, मुझे पता चला डॉक्टर हमजा शेख बैठ रहा है दिल्ली मणिपाल हॉस्पिटल में, मैंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मैंने जब कांटेक्ट किया था उसने मेरे को अच्छी तरह से मतलब ब्रीफ किया है कि मैं आपको ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट कर लूँगा। कि बाद में मैं यहाँ आया, उसने मेरे को ट्रीटमेंट किया है, ट्रीटमेंट करने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वैसा ही हूँ जैसे मैं आज से पहले 15 साल था, मैं वैसे ही फील कर रहा था। जिस दिन मेरे को सर्जरी हुई थी उसने मेरे को बोला कि अगले दिन ही मैं आपको खड़ा करूँगा, लेकिन ऊपर वाले की मदद से और उसने अपने अच्छे काम करने की मदद से मेरे को उसी दिन सवेरे ये खड़ा कर दिया और मैं चल पा रहा हूँ अभी अच्छी तरीके से भी, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ उसका, हमजा सर का, जिसकी वजह से मेरे को भी राहत मिली है। जो मेरे को आज से पहले 10 दिन मेरे साथ गुजर रहा था उससे मेरे को छुटकारा पाया, मैं बिल्कुल खुश नजर आ रहा हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर एक से, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कॉन्टेक्ट कीजिए यहाँ और आप अच्छी तरह से ठीक हो पाओगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये पेशेंट हमीद साहब भी एक्स आर्मी पर्सन है, इनकी सर्जरी 2016 में हुई थी माइक्रोडिसेक्ट में, तो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से तो वैसे तो ठीक थे लेकिन दोबारा ये प्रॉब्लम चालू हुई इनको। और ये मेरे ख्याल से पिछले 7-8 महीने से ज़्यादा दर्द में थे, कमर में दर्द होते हुए पैरों में दर्द आ रहा था। दोबारा सर्जरी के नाम से काफ़ी घबरा रहे थे, काफ़ी इनको मेरा नंबर मिला, मेरे बारे में इन्होंने नेट पर पढ़ा कि मैं श्रीनगर भी आता हूँ, फिर इन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। तो मैंने इनको यही बताया कि इंशाल्लाह इस बार भी जो डिस्क बहुत बड़ी है तो सर्जरी करने से रिक्वायर्ड है, पहली बार तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी, दूसरा सर्जरी के रिजल्ट अच्छे रहेंगे और इंशाल्लाह अगली बार सर्जरी के बाद कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट इस बार डिफरेंस ये था कि इनकी पहले सिर्फ माइक्रोडिसेक्ट में हुई थी और इस बार इनकी फ्यूजन सर्जरी रिक्वायर्ड थी, जो हमने मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से करी इनकी। और इनको यही बताया था कि अगले दिन से, ये बहुत घबरा रहे थे कि मेरा क्या हुआ अगली बार फिर दोबारा सर्जरी हो रही, मैं चल पाऊँगा नहीं चल पाऊँगा, तो अल्लाह के करम से सर्जरी हुई और अगले दिन से ये चल रहे थे। और इनफैक्ट ये 2 दिन के बाद ही वापस श्रीनगर, आज इनकी फ़्लाइट भी है और ये तो वापस जा रहे हैं, 3रे दिन ही श्रीनगर वापस जा रहे हैं। बाकी का ड्रेसिंग और इलाज मैं हर महीने वहाँ पर श्रीनगर आता हूँ, बाकी का इलाज वहीं पर फॉलोअप करेंगे।